सुसनेर में निकली तिरंगा यात्रा। सुसनेर मंगलवार को नगर परिषद सुसनेर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से सुसनेर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलेरिया ने की। विशेष अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया सहित दिलीप जैन सारंगिया खेड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार, पार्षद राणा जयदीप सिंह, सांसद प्रतिनिधि मुकेश हरदेनिया, पार्षद प्रदीप सोनी, भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा, कालू सिंह चौहान उपस्थित थे। इस अवसर पर SDOP देवनारायण यादव, BA मुकेश तिवारी, थाना प्रभारी गगन बादल, CMO OP नागर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सोनू पाटीदार, महाविद्यालय के प्राध्यापक रमेश जमरा, कन्या स्कूल के प्राचार्य KL मालवीय, घनश्याम पाटीदार, भगवान सिंह आर्य, नितिन सोलंकी, प्रताप सिंह, धर्मेंद्र सिंह उम्मट, शहजादी खान, जगदीश परमार सहित स्टूडेंट्स, समाज सेवी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, नवोदय विद्यालय, कन्या स्कूल, CM राइट स्कूल एवं नगर परिषद के कर्मचारी तिरंगा हाथों में लिए शामिल हुए। CMO OP नागर ने बताया कि देश भर में चल रही तिरंगा यात्रा अभियान के तहत मंगलवार को नगर परिषद और खेल युवा कल्याण की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें विभिन्न संगठनों के लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। यात्रा में लगभग 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसमें विजेताओं को 15 अगस्त के मौके पर पुरस्कृत किया जाएगा। खेल युवा कल्याण विभाग की विकास खंड अधिकारी सोनू पाटीदार ने बताया कि सरकार के चलाए जा रहे अभियान के तहत यह यात्रा निकाली गई। प्रीति एवं खेल शिक्षक शकील खान ने सभी को अपने घरों पर परिवारजनों सहित स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की शपथ दिलाई। राजेश भावसार, दैनिक पीथियान पत्रिका, रिपोर्टर, सूरत। Yeah.